हमारी मांग सिर्फ एक है, सुरक्षा व्यवस्था। एक दो तीन चार बंद करो ये अत्याचार। भूख नहीं मजबूरी है, ये हड़ताल जरूरी है। तो प्रदेश का इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज होने के बावजूद आपने कोई सिक्योरिटी आधे घंटे तक का ही नहीं दिया। यहाँ पे हम लोग बहुत असुरक्षित महसूस करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देसवा न्यूज और मैं हूँ आपके साथ दक्षा प्रिया। अभी हम मौजूद हैं पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल यानी कि पीएमसीएच के परिसर में, जहाँ पर जूनियर डॉक्टर्स जो हैं वो इकट्ठा हुए हैं। नज़ारा आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो सैकड़ों की तादाद में जूनियर डॉक्टर्स हैं वो इकट्ठा हुए हैं। किन मांगों को लेकर आखिर ये लोग इकट्ठा हुए हैं और आज प्रदर्शन कर रहे हैं, इन्हीं से जानते हैं। किन मांगों को लेकर आप लोग सभी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं? हमारी मांग सिर्फ एक है, सुरक्षा व्यवस्था। कोई भी आदमी जो अपने वर्क प्लेस में जब काम करता है उसे एक सुरक्षा व्यवस्था चाहिए होती है। हम लोग यहाँ पे डॉक्टर पूरे दिन रात यहाँ पे डॉक्टर्स काम करते हैं। मरीजों की संख्या इतनी ज़्यादा है पीएमसीएच में कि लोड को संभालना मुश्किल होता है। उस स्थिति में हमें अगर सुरक्षित महसूस नहीं होगा, हम कैसे डिसीजन ले पाएंगे कि किस मरीज़ के लिए क्या डिसीजन लेना है। हमारे साथ एक मरीज के साथ यहाँ पे एक अटेंडेंट का रूल कभी नहीं लगा। एक मरीज के साथ 30-30, 40-40 कभी कभी भीड़ आती है। उसे संभाले या मरीजों को देखे, ये बात कोई नहीं समझ पाता है। इस बात को लेकर हमारी बहुत मांग पुरानी है। हमें हड़ताल करने का कोई शौक नहीं है, ये हड़ताल मजबूरी में करना पड़ रहा है ताकि ऊपर के अथॉरिटीज़ को ये बात समझ में आए कि हमें सुरक्षा चाहिए। तो हड़ताल पे ये जूनियर डॉक्टर्स आए हुए हैं और बीते बुधवार को कुछ घटना भी आप लोगों के साथ में हुई है, उसके बारे में मैं जानना चाहूँगी आप लोगों से। घटना हमारे मेडिसिन विभाग में हुआ था। पेशेंट जो है क्रिटिकली इल पेशेंट था, जिसका हम इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी। ऐसा किसी भी इतने बड़े अस्पताल में ऐसा होना, ऐसा नहीं है कि ऐसा बिल्कुल हो ही नहीं सकता है। हम भी डॉक्टर हैं, हमसे भी इलाज में जो है हम हर कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर मरीज क्रिटिकल आता है तो उसका इलाज जो है उस टाइम पर डिपेंड करता है कि उस वक्त उसका क्या स्टेटस है। एक बार जब इस प्रकार की घटना हो जाती है तो मरीज के जो अटेंडेंट होते हैं वो बाहर से आदमी बुलाते हैं, लोग को बुलाते हैं, भीड़ को बुलाते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं रहती है। यही घटना उस रात हुई थी कि शुरू में मरीज के साथ कुछ ही अटेंडेंट थे, मरीज के अटेंडेंट बाहर गए हैं और उसके बाद फिर बाहर से लोगों को बुला के लाए। हड़ताल का हमारा यही कारण है कि जब मरीज के अटेंडेंट जब बाहर से लोग को बुला करके लाए तो उस बीच में जो आधा घंटा था, करीब आधा से एक घंटा था, जिसमें कि हम लोगों ने अपने सारे सिक्योरिटी अथॉरिटी को हमने जा करके इन्फॉर्म कर दिया था कि देखिए एक ऐसी घटना हो सकती है। जब हमने ये चीज़ बता दिया तो प्रदेश का इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज होने के बावजूद आपने कोई सिक्योरिटी आधे घंटे तक का ही नहीं दिया जी। यही हमारा सबसे बड़ा कारण है हड़ताल करने का, कि आपके पास पूरा समय था कि आप इस प्रकार की घटना को रोक सकते थे और आपको मालूम था, हमने आपको बता दिया था कि ऐसा कुछ हो सकता है, उसके बाद भी हायर अथॉरिटी ने कोई एक्शन नहीं लिया था। डॉक्टरों को भगवान का दर्जा दिया जाता है और इन्हीं डॉक्टरों को जब सुरक्षा नहीं प्रदान की जाती है तो फिर यही स्थिति उत्पन्न होती है। और लोगों से भी बात करते हैं जी, क्या कहेंगे? हमारा डिमांड एक ही है, वो सिक्योरिटी है। जैसे इन्होंने बताया कि उस रात जो घटना घटी, ये आज की घटना नहीं है, ये घटना नहीं है, इसके पहले भी और भी घटना घट चुकी है। हम लोग इस हद तक मजबूर हैं इस बार आंदोलन करने के लिए कि हमें सिक्योरिटी प्रदान किया जाए। अगर ये हमारा मांग पूरी नहीं होती है तो हम लोग अनिश्चित का हड़ताल तक जा सकते हैं। अगर मांग ये नहीं पूरी होती है तो कब तक हड़ताल जारी रखेंगे? अनिश्चित काल तक हड़ताल जारी रहेगी। क्या कहेंगे जी? क्या कहेंगे इस तरीके से जो आज आप लोग जुटे हैं, इतनी भीड़ है, इतने तादाद में आप लोग जुटे हैं, क्या कुछ कहेंगे? हमें बस चाहिए, हमारी एक ही मांग है सुरक्षा। हमें अपने कार्यस्थल पर सुरक्षा चाहिए, हमें कॉन्फिडेंस चाहिए कि यहाँ पर हम सुरक्षित हैं, हम अच्छे से काम कर सकें। हमारा कोई इंटेंशन नहीं है हड़ताल को जारी रखने का, हम बस परेशानी का एक समाधान चाहते हैं। बस जो सिक्योरिटी के नाम पर अभी तक खाना पूर्ति की गई है, कहने के लिए मैं 200 गार्ड बताए जाते हैं, लेकिन आप जमीनी स्तर पर अभी खड़े हैं, आप देख लीजिए कितने गार्ड्स ड्यूटी पर हैं और वो क्या करने में सक्षम है, उनको क्या पावर दिया गया है। उनका जब वो कोई एक्शन लेते हैं तो उन्हीं पर FIR हो जाता है, तो ऐसे में वो भी कुछ करने में असक्षम है। उन पर भी FIR जी, ऐसी भी घटना हुई है कि अगर उन्होंने कुछ एक्शन लिया तो उन पर ही FIR कर दिया गया। तो तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये जो जूनियर डॉक्टर्स आज जुटे हैं हड़ताल पर हैं, इनके हाथ में पोस्टर भी नजर आ रहा है। एक जो जूनियर डॉक्टर है उनके हाथ में पोस्टर है स्टॉप वॉयलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स। दूसरे के हाथ में जो पोस्टर है उसमें लिखा हुआ है डॉक्टर ट्रीट गॉड हील्स स्टॉप सो ट्रीट अस वेल। एक पोस्टर पर लिखा है डॉक्टर के पेशे का दुख कोई समझ ना पाया, बचा लिया तो व्यापारी वरना कातिल का नाम पाया। है
wants that healed should not bleed. डॉक्टर्स लाइफ मैटर्स. एग्जैक्टली, डॉक्टर की जिंदगी बहुत मायने रखती है क्योंकि डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा मिला हुआ है. स्टॉप वॉयलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स. आई प्रोटेस्ट द अटैक्स ऑन डॉक्टर्स. सेव द सेवियर्स. स्टॉप अटैक ऑन डॉक्टर्स. और एक पोस्टर पर लिखा है कि व्हाइट इज टर्निंग रेड, आई डोंट वॉन्ट टू बी द नेक्स्ट. देख सकते हैं कि किस तरीके से जो PMCH के जूनियर डॉक्टर्स हैं वो लगातार जो है वो नारे लगा रहे हैं. गुंडागर्दी की गई है इनके साथ, बदसलूकी की गई PMCH के परिसर में घुस कर के. और जिन्होंने सुरक्षा व्यवस्था के लिए जो लोग यहाँ पर हैं उन लोगों को भी इस चीज की सूचना दी, लेकिन किसी भी तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं की गई. अगर वो लोग चाहते तो ये घटना रुक सकती थी. 150 के तादाद में लोग आते हैं इनके साथ, गाली गलौज करके जाते हैं. तो ये एक बड़ी बात है कि डॉक्टर्स के साथ जो इस तरह की बदसलूकी जो की जाती है वो काफी ही गलत है और बेहद निंदनीय है अगर कह ले तो. यहाँ पे हम लोग बहुत असुरक्षित महसूस करते हैं. हर 10 दिन पे कुछ ना कुछ ऐसी घटना होती है जब अटेंडेंस आते हैं कि डॉक्टर्स को पीट के चले जाते हैं. हम अपनी ड्यूटी बहुत ईमानदारी से करते हैं, इसके बाद भी हम लोगों को ये फेस करना होता है. ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए. और गायनी में मैं गायनी की PG हूँ और हमारे यहाँ बहुत क्रिटिकल पेशेंट्स आते हैं. कई बार ऐसा होगा कि पेशेंट्स बहुत क्रिटिकल होते हैं और हाँ फीमेल PGs हमें और सुरक्षा की ज़रूरत है. हमारे चारों तरफ ऐसे गार्ड्स होने चाहिए कि ऐसी सिचुएशन आए तो वो लोग संभाल लें, लेकिन गार्ड्स हमारे यहाँ वैसे हैं नहीं, उनको बहुत पावर दी नहीं गई है. तो हम लोगों को बेसिकली सुरक्षा ही चाहिए और इसके अलावा हमारा कोई डिमांड नहीं है. तो साफ तौर से देख सकते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आज जूनियर डॉक्टर्स जो हैं वो हड़ताल पर जुटे हैं. इनके साथ गाली गलौज की गई, मारपीट की गई. क्रिटिकली इल पेशेंट आया था, लेकिन गलतियां सबसे हो सकती हैं. डॉक्टरों को भगवान का दर्जा दिया गया और जब डॉक्टरों के साथ इस तरह का सुलूक किया जाएगा, डॉक्टरों के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाएगा तो फिर इस समाज का क्या होगा, आप खुद ही सोच सकते हैं. इनकी मांग है कि जल्द से जल्द इन्हें अच्छी सुरक्षा प्रदान की जाए, तभी ये हड़ताल से हटेंगे. देशवा न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही. बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए. धन्यवाद. सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए. देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें.